हेलो फ्रेंड, इंडियन इसके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड। जैसा कि दोस्त आप जानते हैं, स्किन प्रॉब्लम से बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर बीमारी पैदा हो जाती है। हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। सीएम द्वारा फैलाई गई त्वचा से हमारा लालीनेस हो जाती है, धुंधली हो जाती है और सूखे ड्राई स्किन हो जाते हैं, त्वचा में सूजन आ जाती है। हम आज इसी के बारे में बात करेंगे और उसका रोकथाम के लिए भी बताएंगे। दोस्तों आइए जानते हैं इंडियन न्यूट्रिशन। दोस्त आज हम बात करेंगे कुलनेट एप क्रीम के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके डोजेज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं। दोस्तों इसकी कंपोजिशन है क्लोबेटासोल प्रोपीनेट 0.05% एसिड 2%। आइए जानते हैं दोस्तों ये कैसे काम करता है हमारे स्किन के ऊपर और हम कहाँ इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्त इसमें दिया हुआ है फॉर एक्सटर्नल यूज आते हैं। दोस्तों ये स्किन के बाहर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों मार्केटेड बाई H&H हैज एंड हैज फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाई गई है और मैन्युफैक्चर्ड बाई ऐसा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। दोस्तों तो इसकी एक्सपायरी है 5/2018 और इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 249 रुपीज़। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि ये कैसे काम करता है और कितना हमारे स्किन के लिए फायदेमंद है, आइए जानते हैं। जैसा कि दोस्त जानते हैं आलोनेट एफ क्रीम में क्लोबेटासोल प्रोपीनेट एंड एसिटिक एसिड। क्लोबेटासोल प्रोपीनेट ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम है जो आपके चेहरे पे या स्किन पे कहीं भी सूजन हो जाता है उसको कम करता है और जहाँ इस पेन होता है उसको भी ये कम कर देता है। इसके अलावा दोस्तों आइए जानते हैं इसको और कौन कौन स्किन पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कोलोनेट एफ क्रीम इस्तेमाल हम बैक्टीरिया की त्वचा की संक्रमण, लालीनेस, खुजली, सूखे और त्वचा की सूजन, त्वचा संक्रमण, इपेटिगो, इटोपिक एक्जिमा और अन्य बहुत सारे स्किन डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट बेहतर है। नियरेस्ट डॉक्टर से आप कंसल्ट करते ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको कुछ ट्यूशन भी है इस दवा का। दोस्तों ये क्रीम आप चेहरे के दाग धब्बे या आलिया तरह की स्किन के लिए इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये दूसरे इन्फेक्शन के लिए है, ये इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। कोलोनेट एफ क्रीम इज ए मेडिसिन दैट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रेडनेस, इचिंग, ड्राइनेस एंड स्वेलिंग ऑफ स्किन, स्किन इन्फेक्शन, इम्पिटिगो, एटोपिक एक्जिमा एंड अदर कंडीशंस ऑफ स्किन, द कंप्लीट यूजेज ऑफ द स्किन। जैसा कि दोस्त मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लोबेटासोल इसमें मिला हुआ है जो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और ये स्किन के ऊपर स्वेलिंग और लाली जो हो जाता है को कम करता है। क्लोबेटासोल टॉपिकल इन ए पोटेंसी ऑफ टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इचिंग, रेडनेस, ड्राइनेस, इंफ्लेमेशन। बताना चाह रहा हूँ क्लोबेट एफ क्रीम कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए जिसका उपयोग बैक्टीरियल की त्वचा के संक्रमण, लालीनेस, अगर आपके स्किन पे कोई लाली हो जाए और वहाँ से खुजाहट पैदा हो जाता है या स्किन आपके सूखे और ड्राइनेस हो जाते हैं, त्वचा में सूजन आ जाती है, इस परिस्थिति में क्लोनेट एफ स्किन क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आगे जानने के लिए इसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।